नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं आपके साथ अंकिता। वनडे वर्ल्ड कप 2023 का 22वां मुकाबला पाकिस्तान बनाम अफगानिस्तान के बीच 23 अक्टूबर को खेला जाएगा। इस मैच में अफगानी बल्लेबाजों के सामने पाकिस्तानी गेंदबाजों की चुनौती होगी। दोनों टीमें अपना पिछला मुकाबला हारकर आ रही हैं, ऐसे में दोनों देशों के लिए जीत ये बेहद जरूरी है। ये मुकाबला चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान अभी तक 4 मुकाबलों में सिर्फ 2 मुकाबले जीतकर 5वें पायदान पर है, जबकि अफगानिस्तान ने अभी तक 4 मुकाबलों में सिर्फ 1 मैच जीती है और सबसे निचले पायदान पर है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे दोनों टीमों के हेड टू हेड आंकड़ों की, वेदर रिपोर्ट की, पिच रिपोर्ट, और फिर बात करेंगे कि क्या है पॉइंट्स टेबल का हाल। आपको बता दें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अब तक 7 वनडे मैच खेले गए हैं और ये 7 मैच पाकिस्तान ने जीते हैं। न्यूट्रल वेन्यू पर हुए सभी 7 वनडे मैचों में पाकिस्तान की टीम अफगानिस्तान पर भारी पड़ी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पहला वनडे मैच 10 फरवरी 2012 को खेला गया था, जिसमें पाकिस्तान ने जीत हासिल की थी। वहीं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच आखिरी वनडे मुकाबला 26 अगस्त 2023 को खेला गया था, जिसमें पाकिस्तान ने 59 रनों से जीत हासिल की थी। इसके अलावा दोनों देशों के बीच वनडे वर्ल्ड कप में अब तक एकमात्र भिड़ंत 2019 वर्ल्ड कप में हुई थी, जिसमें पाकिस्तान ने 3 विकेट से जीत हासिल की थी। लेकिन दोनों के बीच काफी रोमांचक मैच होते रहते हैं, इस बार भी ऐसा कुछ होने की उम्मीद है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान अपना दबदबा कायम रखता है या फिर अफगानिस्तान एक बार फिर से वर्ल्ड कप में उलटफेर करती नजर आएगी। हेड टू हेड के बाद अब बात करेंगे वेदर रिपोर्ट की। रिपोर्ट्स की माने तो चेन्नई में सोमवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। पूरे मैच के दौरान बारिश की संभावनाएं नहीं है, लेकिन आसमान में काले बादल छाए रहने की संभावनाएं हैं। अब वेदर रिपोर्ट के बाद चलिए बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट की। तो एमए चिदम्बरम स्टेडियम अपने संतुलित पिच के लिए जानी जाती है। ये विकेट आमतौर पर सूखा होता है और स्पिनर्स को पकड़ मिलती है, जिसके चलते अफगानिस्तान के स्पिनर्स इस पिच पर पाकिस्तानी बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, पिच थोड़ी धीमी हो जाती है, जिससे दूसरी पारी में स्ट्रोक खेलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ज्यादातर टीमें टॉस जीतकर यहां पहले बल्लेबाजी का फैसला करती हैं। आपको बता दें कि अब तक चेन्नई के इस मैदान में कुल 37 वनडे मुकाबले खेले गए हैं, ऐसे में 18 पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीत हासिल की है और 18 ही दूसरी बैटिंग करने वाली टीम ने भी जीत हासिल की है। वहीं इस पिच पर पहली पारी का औसतन स्कोर 226 रहा है, जबकि दूसरी पारी में 204 रहा है। यहां ज्यादा हाई स्कोरिंग मुकाबले देखने को नहीं मिलेंगे। कल के मुकाबले में साउथ अफ्रीका को इंग्लैंड के खिलाफ बड़ी जीत मिली है, जिसके बाद से पॉइंट्स टेबल में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अब तो चलिए बात कर लेते हैं पॉइंट्स टेबल का क्या है हाल। तो इस बड़ी जीत के साथ ही पॉइंट्स टेबल में साउथ अफ्रीका को बेहद फायदा हुआ है और साउथ अफ्रीका इस जीत के साथ 6 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर है। पॉइंट्स टेबल में साउथ अफ्रीका नेट रन रेट जो है वो भारत से अच्छा है, यानी अगर भारत कोई मुकाबला हारता है और अफ्रीका के बराबर अंक होते हैं तो पॉइंट्स टेबल में साउथ अफ्रीका टीम इंडिया से ऊपर होगी, क्योंकि नेट रन रेट बेहतर है उसका। इसके अलावा नीदरलैंड से जीत के बाद श्रीलंका 8वें नंबर पर है और इंग्लैंड कल का मैच हारने के बाद 9वें नंबर पर पहुंच गई है। इसके अलावा न्यूजीलैंड और भारत चारों मैच में जीत के साथ पॉइंट्स टेबल पर पहले और दूसरे पायदान पर हैं। वहीं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैच में आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी? कमेंट बॉक्स पर अपना रिएक्शन जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो जरूर कर लें, ताकि एक भी खबर मिस ना होने पाए।